केरला गॉड्स ओन कंट्री, और वाकई में केरला बहुत ही खूबसूरत है। स्पेशली केरला के बैक वाटर्स देखने के लिए लोग भारत के कोने कोने से आते हैं। पर आज मैं आपको ट्रेन जर्नी के दौरान ही खूबसूरत बैक वाटर्स दिखाऊंगा, और साथ ही साथ हम पहुंचेंगे कन्याकुमारी जो कि एक टर्मिनल स्टेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत और शुद्ध रेल जर्नी की, पर पहले देखते हैं कि हमारी जर्नी का रूट मैप क्या होने वाला है। तो हमारी ट्रेन बैंगलोर से चलकर पलक्कड़, एर्नाकुलम टाउन, कोल्लम, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, नागरकोइल होते हुए आखिर में कन्याकुमारी पहुंच जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान को। तो फिलहाल मैं हूं अभी बैंगलोर में, और बैंगलोर में क्यों हूं ये आपको नहीं पता तो आप मेरी जो पिछली वीडियो है उसको देख लें, जहां मैंने तिरुपति से बैंगलोर तक की जर्नी जो है वो की थी। फिलहाल बात करें आज की जर्नी की, तो आज का जो हमारा कारवां है वो बैंगलोर से कन्याकुमारी के लिए निकलने वाला है, और हमारी ट्रेन जो है ना वो KSR बैंगलोर स्टेशन से निकलती है। पर फिलहाल अभी हम कृष्णराजपुरम रेलवे स्टेशन में, जो कि बैंगलोर के अंदर का एक स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है। तो 8:32 पे अरावल टाइम था, और 8:36 पे हमारी गाड़ी जो है वो आ चुकी है। बाकी ट्रेन यार बाहर से बहुत साफ दिख रही है। SWR की जो गाड़ियां हैं ना भाई, वाकई में बहुत साफ सुथरी होती है। ये बात तो मैं मान गया हूँ इतना ट्रैवल करने के बाद। वाओ यार, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। कोच तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और जो सीटों का जो कलर है ना ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखो यार, ये है अपना 2AC का इंटीरियर, और मुझे ये वाले जो कलर है ना बहुत ही अच्छा लगता है। नॉर्मली जो ब्लू वाले होते हैं उससे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे ये, बिल्कुल ICF वाला फील देता है LHB में। चलो, सीट तो बहुत ही बढ़िया है और कोच भी बहुत ही साफ़ सुथरा है, तो मज़ा आएगा जर्नी करने में। और बस कुछ ही देर में बंगालपेट जंक्शन पहुँचने वाले हैं। यार यहाँ के लोग की लैंग्वेज जो है ना वो बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन अच्छा ज़रूर से लगता है सुनने में। तो वक्त हो चुका है करीब 9:30, और पहुँच चुके हैं बंगालपेट जंक्शन। बंगालपेट को जंक्शन क्यों कहते हैं ये तो कुछ लोगों को पता होगा, बाकी इसको नहीं पता। मैं बता दूँ, यहाँ से जो लाइन है ना वो मारीकुप्पम की तरफ निकल जाती है लाइन, इसलिए इसको जंक्शन जो है वो बोलते हैं। और एक और चीज़ है कि मारीकुप्पम से जब आगे निकलेंगे अपना, तो कोलार गोल्ड फील्ड यानी KGF, नाम तो सुना होगा आपने, वो भी वहाँ पे रूट जाता है। तो बाकी स्टेशन बहुत ही शांत, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत। आमतौर पे साउथ इंडिया के जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना वो वर्ल्ड क्लास, मतलब बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं। और रात काफ़ी हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से ये लास्ट स्टेशन है जो मैं कैप्चर कर रहा हूँ। बाकी सुबह यार, सुबह मज़ा आने वाला है। सुबह जब हमारी ट्रेन जब केरला में होगी ना, उसके बाद से जो केरला बैक वाटर्स है वो बैक टू बैक आपको देखने को मिलेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे अगर दिन के उजाले में सेक्शन गुजरता तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता, पर रात के अंधेरे में तो कोई भी अच्छी चीज़ धुंधली दिखती है। पर इंतज़ार करते हैं सुबह का, और उसके बाद बैक टू बैक खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो सुबह की पहली किरण के साथ इन नज़ारों में है कुछ तो बात। नारियल के पेड़ और इन खूबसूरत बैक वाटर्स को देख के तो यही लगता है हो चुका है गॉड्स ओन कंट्री में अपना आगाज़। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में ना, तो फिर वो सफ़र बहुत ही आसानी से कट जाता है। आप हंसते खेलते खाते पीते आसानी सफ़र जो है वो एंजॉय करते कट जाता है। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो दिक्कत होती है। ऐसे में क्या करते हो कि आप बोर होते हो, और जब बोर होते हो तो या तो किसी से फ़ोन में बात करते हो या फिर गाने सुनते हो, और ये दोनों ही काम करने में ना सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। और ऐसे में मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कहावत याद आती है कि वंस यू स्टॉप टू लर्न यू स्टार्ट डाइंग। तो मैं भी अपने इस सफ़र में जब सोलो ट्रैवल करता हूँ तो कुछ ना कुछ नया जो है वो सीखते रहता हूँ, और ऐसे में मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है कुकू FM।
कुकू एफएम इंडिया का लार्जेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप हज़ारों ऑडियो बुक जो है वो सुन सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं अभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुन रहा हूँ, और ये सुन करके ना मैं कुछ उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ जो है मैं बाहर के नज़ारे इन्जॉय करते हुए सुन सकता हूँ और नॉलेज जो है वो गेन कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे बेस्ट लगती है कुकू एफएम के बारे में। और अच्छी बात ये है कि कुकू एफएम का जो एनुअल फीस है वो अराउंड 399 रुपये है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड RGK50 यूज़ करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में आप जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है इसका ले सकते हैं और हज़ारों ऑडियो बुक्स जो है वो सुन सकते हैं। पर हाँ, ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 250 यूज़र्स के लिए है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करिए, मेरा कूपन कोड यूज़ करिए और उसके बाद हज़ारों ऑडियो बुक सुनिए और अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह करीब 7:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अलुआ। वैसे ये वक्त था हमारा एर्नाकुलम टाउन पहुंचने का, पर फ़िलहाल अभी हम उससे थोड़ी दूरी पे हैं। फ़िलहाल हम उतरे हैं अभी अलुआ और यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीने का मन तो कर रहा है। वैसे कॉफ़ी है ये, देखो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। व्हाट डू कॉल दिस? आई डोंट नो। तो सुबह की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और अलुआ में मैंने ये कॉफ़ी जो है वो ले ली सुबह सुबह। कॉस्टिंग 15 रुपीज़ की थी, 15 रुपये की थी। और साउथ में कॉफ़ी का बहुत चलन है, लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं, इसलिए मुझे लगा कि चाय से अच्छा कॉफ़ी पीना सही रहेगा। कॉफ़ी अच्छी है, नॉर्मल जो कॉफ़ीज़ मिलती हैं हमें नॉर्थ इंडिया में उनसे काफ़ी अच्छी है। और जब भी मैं इसे नॉर्थ इंडिया ले कंपेयर कर रहा हूँ तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि सच में कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी हैं और उनको सपोर्ट करना ना सही चीज़ है। तो अभी पहुंच रहे हैं एर्नाकुलम टाउन और यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट हम लेने वाले हैं, क्योंकि स्टेशन पे आपको खाने पीने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वक्त हो चुके हैं भाई साहब 7:50 और हम फाइनली पहुंच चुके हैं एर्नाकुलम टाउन, जिसको एर्नाकुलम नॉर्थ के नाम से भी लोग जानते हैं। और एर्नाकुलम जंक्शन भी यहां पे है, कोची भी है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कोची एर्नाकुलम मतलब ये सब आसपास ही है, कोची में ही एर्नाकुलम जो है वो आता है। बाकी यहाँ पहुँचने का सही समय था 7:20, तो करीब आधे घंटे लेट यहाँ ट्रेन पहुँची है। पर भाई साहब मैं एक बोलना चाहूँगा, केरला में घुसते ही ना एक बड़ी अच्छी सी वाइब आ रही है, बहुत अच्छी सी फील आ रही है, क्योंकि बिल्कुल हरा भरा बिल्कुल शांत सा ये स्टेट लगता है मुझे। इसके बाद आपको जो बैक वाटर्स हैं वो बहुत देखने को मिलेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें मुझे यहाँ से लेनी है। अप्पम जो है वो मुझे ट्राई करना है यहाँ का, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पर अप्पम तो नहीं मिला, बाकी ये केरला हलवा है ना, ये केरला हलवा है, बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती है इसमें। ये मैंने टेस्ट किया हुआ है, अच्छा लगता है, बाकी अभी फ़िलहाल कोई टेस्ट करने का मन नहीं मेरा। बाकी हाँ, आप चाहो तो जब भी केरला में आओ तो केरला हलवा ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही अच्छे होते हैं ये और अलग अलग फ्लेवर मिलते हैं ये। अप्पम तो मिल चुका है हमें और डिपार्चर जो है वो हमारे ट्रेन का हो चुका है। और भाई एक चीज़ है कि देखो, आप खुद देखो, करीब 19वां कोच शायद मेरा हम लोग का है। इतना पीछे होने के कारण से ना जो मेन स्टॉल्स होते हैं जो बीच में होते हैं स्टेशन के वो निकल जाते हैं और चीज़ें छूट जाती हैं, बस तो बस इस बात का दुख होता है। बाकी डिपार्चर अपना एर्नाकुलम टाउन से हो चुका है। वेलकम टू गॉड्स ओन कंट्री केरला। ये देखो इतने सारे डीजल लोकोमोटिव जो है ना, इनका वक्त ख़त्म हो चुका है और अब ये स्क्रैप होने वाले हैं। दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो ये रहा हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इतने सारे आइटम्स जो हमने ख़रीद लिए। ये है अप्पम, जो कि बहुत ही नई चीज़ है, अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो तो इसको ट्राई करना, हम लोग भी ट्राई करने वाले हैं। इडली वड़ा और ये चटनी, ये कुछ अलग स्पेशल चटनी है, खा के बताऊँगा आपको इसका टेस्ट क्या है।
पीछे अभी ट्रेन क्रॉस हुई ना, वो वायनाड एक्सप्रेस थी। और अभी हम पहुंच चुके हैं कोट्टायम, जो कि एक छोटा सा पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। तो जो हमारी ट्रेन थी एर्नाकुलम टाउन करीब 30 मिनट के डिले से पहुंची थी, पर कोट्टायम में इसका अराइवल बिल्कुल ऑन टाइम हुआ। 9:30 का अराइवल टाइम था और बिल्कुल ऑन टाइम अराइवल हुआ यहाँ पे। और एक चीज़ है कोट्टायम के बारे में आप लोग को बता दूँ मैं, नहीं केरला तो वैसे ही बहुत ही खूबसूरत है, तो उसके जो हर शहर है ना वो बहुत ही खूबसूरत हैं। पर एक चीज़ आप जानते हैं, मतलब केरला का जो लिटरेसी रेट है ना वो तो आप सब पता है कि सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में, लेकिन 1989 में कोट्टायम ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट था जिसका लिटरेसी रेट जो है ना वो 100% था। ये सुनकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि 1989 में ही ये डिस्ट्रिक्ट जो है था पूरा 100% लिटरेट हो गया था, मतलब इतने लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग यहाँ पे थे। काफ़ी अच्छा लगा, केरला एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं और अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है केरला में। फिलहाल यहाँ से डिपार्चर जो है वो लेते हैं और उसके बाद से केरला की खूबसूरती को और करीब से निहारते हैं। और ये मैंने आपको दिखाया नहीं, ये कोच्चिवली इंदौर जो है इसका डिपार्चर यहाँ से हो रहा है, ये ट्रेन हमारा ही वेट कर रही थी। इस स्टेशन की जितनी तारीफ की मैंने वो तो कम है, वो इसमें स्पेशल चीज़ ये है ना कि भाई इतनी सारी बैठने की सीट जो है वो दी गई है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे और ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब स्टेशन पे बैठने के लिए यात्रियों के बहुत सारी बेंचेस सीट्स होनी चाहिए ताकि उनको जो है वो असुविधा ना हो, और ये चीज़ यहाँ देख करके मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो कोट्टायम से निकलने के बाद कुछ दूर चलने के बाद ये रूट और भी खूबसूरत हो जाता है। लाइन को आप जरा गौर से देखिएगा, मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। और कोट्टायम के बाद अब बारी थी कोल्लम जंक्शन पहुंचने की, और ये कोई छोटा स्टेशन नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा स्टेशन है। और काफ़ी सारी बातें हैं स्टेशन के बारे में बताने को, पर एक बात आपने गौर की है कि ऐसे लिवरी वाले एल्को लोकोमोटिव्स बस आपको सदर्न इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान रेलवे का लोकोमोटिव है, क्योंकि वहाँ के लोकोमोटिव कुछ ऐसे ही होते हैं। पर हमारे इंडियन रेलवेज़ में GOC जो है वो इस तरह के लिवरी जो है वो इस्तेमाल करती है। तो वक्त हो चुका है 11:20 और हम पहुंच चुके हैं कोल्लम जंक्शन। और कोल्लम को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आपने वो लाइन देखी थी, वो लाइन जो है वो आती है सेंगोट्टई से। और बात करें कोल्लम की ना, तो कोल्लम केरला का सेकंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ ट्रैक्स भी हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, करीब 17 ट्रैक्स है स्टेशन पे। और एक और चीज़ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये तो सेकंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है केरला का, फर्स्ट कौन सा है, ये आपके लिए होमवर्क के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप लोग मुझे बताइएगा। और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, पीछे हमारे मेमू कार शेड एक मेमू भी खड़ी हुई है और 3 ट्रैक्स तो सिर्फ उसी के लिए बने हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रैक्स हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब एरिया दिखाया है, तो काफ़ी बढ़िया है। तो कोल्लम से डिपार्चर के बाद इंतजार था केरला मील्स का, क्योंकि केरला आए और केरला मील्स नहीं ट्राई किया तो फिर क्या किया। ट्रेन के साथ साथ क्रॉसिंग्स और बैकवाटर्स इस रूट पे आपको भर भर के मिलने वाले हैं। अब मैं जा रहा हूँ स्लीपर क्लास में, वो इसलिए क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी है और जिस हिसाब से कर्व आ रहे हैं ना, उस कर्व को कैप्चर करने के लिए आगे जाना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, ये थर्ड एसी तो पूरा खाली है, एक लोग नहीं है इस कोच में, एक लोग भी नहीं है इस कोच में, एक पैसेंजर नहीं है भाई, पूरी खाली हो चुकी है।
फिलहाल अभी आ चुके हैं स्लीपर क्लास में, पर स्लीपर क्लास का भी हाल कुछ ऐसा ही है, मतलब बिल्कुल खाली गाड़ी। और हमारी क्रॉसिंग हो रही है केरला की शान केरला एक्सप्रेस से। और मैं कब से एक ट्रेन की क्रॉसिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ, पर वो आ ही नहीं रही है। और अब थोड़ी थोड़ी गर्मी भी फील हो रही है, इसलिए बहुत देर तक गेट पे खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। तो हाँ, मैं इसी ट्रेन के क्रॉस होने का वेट कर रहा था और ये ट्रेन यहाँ चुपचाप खड़ी है। हाँ, ये अपनी वाली ट्रेन है जो फिलहाल कन्याकुमारी से आ रही है और बेंगलोर को जाने वाली है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं उस स्टेशन पे जिसकी स्पेलिंग पूछे जाने पर बचपन में डंडे पड़ते थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तिरुवनंतपुरम की, इसको त्रिवेंद्रम और भला हो रेलवेज का जो शॉर्ट नेम इसका यूज़ करती है TVC। तो वक्त हो चुका है 1:13, पहुँच चुके हैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन और करीब 840 किलोमीटर का जो जर्नी है वो हमने पूरा कर लिया है और बस आखिरी चंद घंटे बचे हमारे इस जर्नी में। और यहाँ पे केरला मील्स ज़रूर से ट्राई करना था मुझे। हाँ, ट्रेन का डिपार्चर हो गया पर जल्दी जल्दी में केरला मील्स मिल गया, पर वो मैं शूट नहीं कर पाया। तो चलिए सीट पे चलते हैं और केरला मील्स एंजॉय करते हैं। तो ये है केरला मील्स जो हमने अभी तिरुवनंतपुरम से ऑर्डर किया है। लगा था कि बढ़िया एकदम थाली में देंगे पर ऐसे ही बजे दिया, पर जो भी है अच्छा तो होगा ही। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल दाल चावल से कुछ अलग खाने को मिल रहा है और अच्छा लग रहा है ये। और जैसे ही हमारी ट्रेन त्रिवेंद्रम से निकली, ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो डीबोर्ड कर चुके हैं। तो काफ़ी देर से हम लोग केरला में चल रहे थे, केरला में हमारी ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब बस 1-2 किलोमीटर के बाद हम एंटर हो जाएंगे तमिलनाडु में और उसके बाद से हमारी जर्नी जो है वो तमिलनाडु में एंड हो जाएगी। और जैसे जैसे हम डीप साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट डीप साउथ में हम लोग हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा हाई होता जा रहा है। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी भाई, इतनी ग्रीनरी है ना, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतने ज़्यादा पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, कोयल की आवाज़ भी सुनने को मिल रही है, मतलब इतना ज़्यादा शांत है ना केरला, सच में गॉड्स ओन कंट्री इसलिए बोलते हैं इसको। लेकिन अब हम तमिलनाडु में एंटर होने वाले हैं। यार ये नज़ारे, एक तरफ देखो पूरे पहाड़, वो इतने सारे नारियल के पेड़, ये होता है नज़ारा भाई, मैं इसका वेट कर रहा था कब से। मैं अब कुछ देर तक खामोश रहता हूँ और आप मेरी खामोशी में सुनिएगा कि ये रूट मुझे कितना ज़्यादा खूबसूरत लगा। तो बस इतनी सी खामोशी थी और अब पहुंचने वाले हैं नागरकोइल जंक्शन, जो कि हमारी जर्नी का सेकंड लास्ट स्टेशन है। मैं तो बस एक बात बोलना चाहता हूं कि ये पूरा ब्यूटी देख करके, पूरा ये लैंडस्केप देख करके ना, मैं तो सच में बहुत ही हैरान हूं कि वाकई में मैंने जितनी उम्मीद की थी ना उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा ये पूरा एरिया। हर तरफ नारियल के पेड़ थे, पीछे पहाड़ और राइस के फील्ड्स, मतलब क्या बढ़िया कॉन्ट्रास्ट आ रहा था, कितना बढ़िया सब कुछ लग रहा था। चलिए फिलहाल नागरकोविल जो है बस पहुंच चुके हैं हम लोग। और देखो यार, अब हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है, तो आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सबको हर जगह मिलने वाले हैं। अब तो डीजल लोकोमोटिव ऑलमोस्ट अब अपने एंड की तरफ बढ़ चुके हैं, बहुत ही कम सेक्शन ऐसे जहाँ पर डीजल लोकोमोटिव अभी भी चलते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ पे रुकी और उसके बाद से यहाँ से भी अपना डिपार्चर जो है हो चुका है, बस पहुँचने ही वाले हैं। सिर्फ आधे घंटे का वक्त और लगना चाहिए यहाँ से कन्याकुमारी। अगर देखा जाए तो हम लोग वैसे कन्याकुमारी के अंदर ही है, पर यहाँ भी काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो एंड होती हैं।
और हमने सोचा था कि बैंगलोर नागरकोविल जो एक्सप्रेस चलती है हम उसमें ट्रैवल करेंगे, लेकिन फिर कन्याकुमारी तक जाना था तो ये ट्रेन ज़्यादा अच्छी थी। थोड़ी स्लो है, थोड़ी टाइम ज़्यादा लगाती है, पर ठीक है, अच्छा लगा इसमें जर्नी करके। और नागरकोविल को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली की तरफ लाइंस जाती हैं। और इस रूट में जितनी बार मैं अंदर जाके बैठा हूँ ना, ऐसा लगता है कि बाहर कुछ अच्छा मिस हो रहा है और वापस से मैं बाहर चला जाता हूँ और बिना किसी फिल्टर के आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। फाइनली अपना जो आगमन है वो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पे हो चुका है। बड़ी दिली ख्वाहिश थी यार स्टेशन पे आने की, और आखिरकार बस पहुंच रहे हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, आखिरी छोर, आखिरी स्टेशन। ट्रेनें यहां से आगे तो नहीं जाएंगी, बल्कि अब यहीं से रिवर्स डायरेक्शन होकर के अलग अलग जगहों के लिए ट्रेन निकलती है, पर अब इससे आगे ट्रेन नहीं जा सकती क्योंकि आखिरी छोर है ये। तो फाइनली 930 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके पहुंच चुके हैं इंडिया के आखिरी छोर यानी कि कन्याकुमारी में। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं कन्याकुमारी पहुंचा हूं और इस जर्नी का ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट था। यहां से अब एक और नई जर्नी की शुरुआत होगी और वो जर्नी होगी, नहीं मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग गेस कर लीजिए वो कौन सी जर्नी होने वाली है और कौन सी ट्रेन होने वाली है वो, क्योंकि यहाँ से और हम यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं भारत के इस आखिरी छोर से यानी कि सदर्न मोस्ट टिप से श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस ट्रेन से सफ़र करने वाला हूँ। बाकी चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये पूरा व्लॉग कैसा आपको लगा, ये पूरा जर्नी कैसा आपको लगा, ज़रूर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए जर्नी में, यहाँ से एक और नया कारवा शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं कन्याकुमारी को थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो इसलिए इसको लास्ट स्टेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रेन जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है बस यहाँ से, और सामने बिल्कुल डेड एंड है, ट्रेन आगे नहीं जा सकती।